हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्जय पट्टा में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां से फैकल्टी पोजीशन की रिक्रूटमेंट आई है, जैसे कि प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की रिक्रूटमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है वो पे लेवल 14A के तहत आई है, और एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट पे लेवल 13A2 के तहत आई है, और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट पे लेवल 12 के तहत रिक्रूटमेंट आई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड पे लेवल 10 और 11 के तहत आई है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो इसकी ओपनिंग है वो है 21 दिसंबर, और जो इसकी ऑनलाइन करने का लिंक दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप इस लिंक के जरिए अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिट करने की ऑनलाइन पोर्टल है वो 21 दिसंबर को ही ओपन कर दी गई है, और आप 10 जनवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो डिटेल दिया गया है वैकेंसी की कि प्रोफेसर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर की जो पे लेवल के तहत टोटल कितनी पोस्टिंग है, जैसे कि प्रोफेसर में 14A पे लेवल के तहत 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर 13A2 के तहत कोई पोस्ट नहीं है, सब खाली पड़ी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट पे लेवल 12 के तहत 6 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकेंड के तहत 11 के तहत कोई पोस्टिंग नहीं है, ये भी खाली पड़ी है, और फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड पे लेवल 10 के तहत 3 पोस्ट है। और इसमें फ्रेंड्स जो कैटेगरी वाइज डिवाइड है, तो ओबीसी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा पोस्टिंग है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में 3 पोस्ट दिया है और प्रोफेसर में 1 पोस्टिंग दी है। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ तरीका बताया है एग्जाम्पल के जरिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टिंग तक क्रेडिट पॉइंट को बढ़ाने का तरीका बताया है एग्जाम्पल से, तो इसको तो देख लेना फ्रेंड्स। और हम देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आउट हुई है, तो जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इससे प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के तहत वैकेंसी आउट हुई है। और इसमें जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फ्रेंड्स, तो इसका मेन यूनिट दिया है, इसको ध्यान से देख लेना। और इसके बाद फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है पे लेवल 11 के तहत, इसमें वैकेंसी है। और इसमें भी जितनी यूनिट दी है स्पेशलाइजेशन का, इसको कवर कर लेना। और इसके बाद फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है, इसमें प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है, इसका भी स्पेशलाइजेशन यूनिट दिया है। और इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के तहत वैकेंसी आई है, इसका तो थोड़ा यूनिट है, कम यूनिट है स्पेशलाइजेशन का, तो इसको तैयार करने में प्रॉब्लम इतनी नहीं है। और सिविल इंजीनियरिंग का है फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आउट हुई है, तो इसका स्पेशलाइजेशन यूनिट ये है। और फ्रेंड्स, इसमें जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन एंड अदर्स टर्म्स एंड कंडीशन है फ्रेंड्स, तो ये दिया है कि जो आवेदक हैं यानी कि इंट्रेंट्स हैं, उनके पास पीएचडी डिग्री होगा और प्रासंगिक या समकक्ष अनुशासन में और पूर्ववर्ती डिग्री में, पूर्ववर्ती डिग्री का मतलब प्रीसीडिंग डिग्री जो है उसमें क्या होना चाहिए, प्रथम श्रेणी यानी कि आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और यहाँ जो प्रीसीडिंग डिग्री का मतलब क्या है, आपके बैचलर डिग्री से आगे यानी कि मास्टर डिग्री। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो आवेदक द्वारा प्राप्त की गई सभी डिग्रियां हो वो UGC AICTE AIU और GOI द्वारा मान्यता प्राप्त की गई हो। और इसके साथ साथ ये भी कुछ
मेन पॉइंट है, इसको तो देख लेना। और नीचे दिया है, यहाँ इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। जो एज लिमिट दी गई है फ्रेंड्स वो 60 ईयर्स दिया गया है। और इसके साथ साथ इसमें भी जो कुछ है वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स दिया है कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए इसके ऑनलाइन पोर्टल पे जो लिंक दिया गया है ऊपर, वहाँ से आप 21 दिसंबर से 10 जनवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और दिया है कि जो उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे लॉगिन करने के बाद, यहाँ ऊपर दिया था कि जो लॉगिन करने के बाद वे संस्थान की जो वेबसाइट से इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड की गई पीडीएफ की हार्ड कॉपी भेजें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इतनी सूचना थी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।